अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरवी, अरवी से की कह रही है तो पूर्वी से बात करने आई थी नेहा। हाँ बुआ, पर मुझे अभी लगता है कि हमें डायरेक्टली आरवी से बात करनी चाहिए। सुनो, जब भी यहाँ आती हूँ ना, जो मुंह में आए बोल देती हूँ और बदतमीजी से बिहेव करके चली जाती हूँ, और हम चुपचाप सहते रहते हैं। इसलिए नहीं कि हम पलट के जवाब नहीं दे सकते, पर इसलिए क्योंकि हम लिहाज करते हैं। और हमारे संस्कार ना, लगता है तुम्हारे संस्कार से कुछ अलग से हैं। और हमारे लिहाज को हमारी कमजोरी समझने की गलती मत करना तुम खुशी। कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं बस आरवी से मिलने आई हूँ, हमें उससे बात कर। कहा ना मैंने, तुम आरवी से बात नहीं करोगी, जो मर्जी करना है करो, लेकिन आरवी से तुम दूर रहोगी, नहीं बात करोगी तुम उससे। एक मिनट, आप तो ऐसे बात कर रही है मेरी खुशी से जैसे वो आरवी के साथ कुछ गलत करने आई हो या? अरे भाई, रिश्ता है उसका आरवी से, पूर्वी छोटी बहन है उसकी, चिंता है उसे उसकी। आज भी इसलिए यहाँ आई है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी बहन के साथ यहाँ कुछ गलत हो रहा है। हमें पता है हमारी पूर्वी की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। चिंता है ना इसे, तो इसे कहिए जाके अपने बहन पूर्वी से ही बात करे, हमारे परिवार में से किसी से बात नहीं करेगी, क्योंकि आज यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ इसकी बहन की वजह से हो रहा है। नचवा रही हम सबको यहाँ पे, तमाशा जो भी इस घर में हो रहा है वो सब आपकी पूर्वी की वजह से ही हो रहा है। अरलीन, अरलीन प्लीज, क्या कर रही है तू? मेहमान है आसपास, शांत हो जा प्लीज। आप अच्छे से जानते हैं मैं कितनी शांति से सब कुछ कर रही हूँ। आप इसे बोलिए ना ही जाके अपने पूर्वी से बात करे, हमारे आर्मी से कोई नहीं बात करेगा, बस बात खत्म। और नहीं तो क्या, ये तो मीडिया वाले आसपास हैं इसलिए हम चुप हैं, ये शराफत है हमारी। वरना तुम्हारी बहन ने जो हरकत की है ना हम परिवार वालों के साथ, उसे हम कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। शाली, अब तुम शुरू हो गए, प्लीज यार खामोश रहो, हरलीन बात कर रही है ना। मेक मी अंडरस्टैंड वन थिंग पापा, ये सब पूर्वी की वजह से हो रहा है ना, कर रहे हैं ना अब तक उसे बर्दाश्त, लेकिन अब इन लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सहन करने की ना लिमिट होती है, कितना सहन करें हम लोग। दीपिका काम डाउन, इस बात को आगे क्यों बढ़ा रही हो तुम, चुप रहो तुम। ये क्या हो रहा है, पता है कि पूरा मीडिया यहाँ पर है, शांत हो जाओ यार, सब शांत हो जाओ। ये सब तो ठीक है, पहले ये तो देखो कि आरवी कहाँ है। आ गया आरवी। अरवी, वो मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं, जो भी हमारे अतीत में हुआ, मतलब मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बहन से उसका बदला मत लो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि उसका इसमें कुछ हाथ नहीं है, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वो गलत नहीं है, प्लीज। तुमने तो किया ना, जो गलतियां तुमने की है वो माफी के लायक नहीं, सॉरी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। देखो तुम, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूर्वी से बदला लूंगा, शायद मैं नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात बोल दूं, तुम इस घर से, इस परिवार से और मुझसे दूर रहो। तुम्हें यहाँ बार बार सामने देख के ये सब हर्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बहन के लिए आई थी। तुम्हारी बहन अब इस घर में मेरे साथ है, मेरे परिवार में है।
मेरी पत्नी है वो, पत्नी। उसका अच्छा बुरा सही गलत मैं सब देख लूंगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। सुना तुमने? मैं करूंगा उसकी केयर। ऐसे करोगे तुम उसकी केयर? ऐसे लोगे जिम्मेदारी? यहाँ पर सब उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सब जो भी हुआ है ना वो उसने किया। क्योंकि ये सच है, ये सब उसी का फैसला है, सब उसकी वजह से हो रहा है। एंड आई ट्रस्ट हर, मुझे विश्वास है उस पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, उसने जो फैसला लिया है गलत नहीं लिया है, क्योंकि जो भी फैसला उसने लिया है वो जो भी कर रही है मुझे बचाने के लिए कर रही है। देखो हमारे बीच जो भी था, लेकिन तुम जानती हो कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैं उसके साथ कभी बुरा नहीं कर सकता जिसने मेरे साथ अच्छा किया हो, उसका कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी हो। तो इन शॉर्ट, ना मैं पूर्वी का बुरा करूंगा और ना उसके साथ बुरा होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, नहीं अपने आप से। आरवी टूट जाएगा पर अपना वादा नहीं तोड़ेगा। तो अब तुम निश्चिंत होकर घर जा सकते हो, हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म हो चुका है। हाँ मैंने पूर्वी से शादी तुमसे बदला लेने के लिए की थी, ताकि मैं उसे परेशान करूं, ताकि तुम भी परेशान, तुम्हें वही दर्द मिले। लेकिन अब सब बदल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि पूर्वी जैसी है वो बहुत अच्छी है, और जितना उसने मेरे लिए किया है शायद कोई नहीं करेगा। देखो पूर्वी और मेरे बीच एक अलग तरह का रिश्ता है, एक अलग तरह का जुड़ाव है हम दोनों में, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। बाकी तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ, जो तुम्हें समझना है समझ लो, जो सोचना है सोचो। बाय। वैसे भी मैं तुम्हें संगीत अटेंड करने को कह नहीं सकता, क्योंकि ये सब हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है और मैं चाहता भी नहीं था ये सब। तो दूसरी बात, यहां पर कोई भी खुश नहीं तुम्हारे होने से, तो मैं अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता। प्लीज गुड बाय। खुशी ऐसे अचानक प्लीज चलिए ना, आप चलिए प्लीज। ये हो है बुद्धा, आरवी क्या कहा उसने और तूने क्या कहा? कुछ नहीं हुआ, कोशिश की कि वो दोबारा इस घर में ना आए। सब ठीक, कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। It's okay. पर ये समझ नहीं आ रहा कि नेत्रा कहां गई, यहां पर होना चाहिए था उसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।